दोस्तों साउथ की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डबल स्मार्ट। और अगर आप भी सुपरस्टार राम पोथिनेनी की डबल स्मार्ट मूवी के रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों इस मूवी की रिलीज को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज होने जा रही है जिसको आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। तो दोस्तों डबल स्मार्ट जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जैसा कि आपको इस मूवी के पहले पार्ट में देखने को मिला था कि हीरो यानी स्मार्ट शंकर के दिमाग में एक चिप फिट कर दी जाती है जिसके जरिए से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसकी बातों को सुना जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है। और इस बार भी हमें कुछ नया देखने को मिलेगा और खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस बार भी हीरो के दिमाग में यानी स्मार्ट शंकर के दिमाग में एक चिप फिट कर दी जाएगी जिसके थ्रू एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। और अगर बात करें डबल स्मार्ट शंकर मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होती है, हिंदी डब्ड में भी रिलीज होती है, तो आप इस मूवी को सिनेमा घर देखने जाओ या नहीं, या फिर OTT पर रिलीज होने के बाद TV और YouTube पर रिलीज होने के बाद अपने मोबाइल में ही देखोगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें स्मार्ट शंकर यानी कि डबल स्मार्ट शंकर मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, केवल और केवल 20 दिनों की शूटिंग बाकी रह गई है जिसमें क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जाना है, साथ ही साथ दो गाने भी शूट किए जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बार जो इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन होने वाला है सुपरस्टार राम के कैरियर का अब तक का सबसे महंगा क्लाइमेक्स सीन होगा। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो 12 दिन तक क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जाएगा जिसका खर्चा लगभग 7 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर बात करें डबल स्मार्ट शंकर मूवी के रिलीज डेट की, तो जहाँ इस मूवी को 26 अप्रैल को रिलीज होना था लेकिन फाइनली दोस्तों अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और खबरों की माने तो अब ये मूवी हमें मई या जून के महीने में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की जो कि हिंदी डब्ड में रिलीज होने जा रही है, तो साउथ की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है गामी। और अगर गामी मूवी को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो ये मूवी Z5 ऐप पर रिलीज होने जा रही है जिसको केवल और केवल अभी साउथ की भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इस मूवी को हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा Z5 ऐप पर।